हेलो गाइस, वेलकम, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब बढ़िया से क्लियर है. फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन, दैट इज नंबर एनालॉजी. एनालॉजी या फिर एनालॉजी जो भी आप बोलते हैं, वेल इट इज एनालॉजी. नंबर एनालॉजी का लास्ट सेशन यानी कि प्रैक्टिस सेशन. अभी तक हम लोगों ने पार्ट वन एंड पार्ट टू देखा है वीडियो का. दिस इज दी थर्ड एंड दी फाइनल पार्ट ऑफ नंबर एनालॉजी. पार्ट वन एंड पार्ट टू प्लेलिस्ट में होगा, तो प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा. आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेशन में जितने भी लॉजिक्स नंबर एनालॉजी के हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं पिछले दो सेशंस में, उन सभी लॉजिक्स को एक ही क्लास में देखेंगे. बज चुके हैं गाइस सुबह के 10:30 एंड स्टार्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑफ रीजनिंग फॉर IB ACIO, SSC CGL, CHSL एंड CPO. तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, मतलब जो ज्वाइन हो चुके हैं जल्दी से एक बार बता दीजिए कि कैसा. जी, आप लोगों को सब कुछ क्लियर है? अरे भैया, गुजरात और बंगाल और ये सब छोड़िए, ठीक है? कहाँ से हैं अब छोड़ दीजिए. अब ये सब बातें ना आप क्या करो, या तो सेशन से पहले कर लिया करो या तो सेशन खत्म होने के बाद कर लिया करो. सेशन से पहले जो लोग आ जाते हैं उनसे मैं उनमें आपस से बातें कर लिया करिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को कहा है कि 10:30 पे हो जाएगा सेशन हमारा स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन गाइज आपके सामने ये रहा. अगर कोई नया है चैनल पे तो मैं बता दूं, मेरा नाम स्वप्निल अग्रवाल है एंड डेली बेसिस पे 10:30 बजे होती है रीजनिंग की क्लास, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा. बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हमने इस टाइप के प्रैक्टिस किए हैं, तो जल्दी से देख लीजिए एक बार और बताइए मुझे जल्दी जल्दी कॉमेंट सेक्शन में कि क्या आपका आंसर आ रहा है. क्विकली गाइज, गुड मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग राधे राधे. चलिए क्विकली देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी था. मैंने आपसे कहा ना कि इस तरीके के कई क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं. तो क्या हमने देखा कि 36 गिवन है नंबर. सबसे पहला नंबर क्या था? 36. फिर दूसरा नंबर क्या गिवन है आपका? 216. आपको क्या पता चला कि 36 और 216 यानी तो जाने पहचाने नंबर है ना. कौन से नंबर है? एक है 6 का स्क्वायर, एक है 6 का क्यूब. अब आपने देखा कि जो नंबर है उसी का स्क्वायर और उसी का क्यूब गिवन है. तो नेक्स्ट क्या था? 49. 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है. तो अगला नंबर क्या आएगा? 7 का क्यूब आएगा. 7 का क्यूब क्या होता है? 343. यानी कि ऑप्शन नंबर बी 343. ऑप्शन नंबर बी, यस 343 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10-10 सेकंड में आपको आंसर करने हैं ये क्वेश्चन. जल्दी बताइए इसका आंसर. क्विकली क्विकली, छेदी छेदी, जल्दी बताइए. चलिए टाइम्स अप. बहुत ज्यादा टाइम दे दिया इस क्वेश्चन के लिए भी. सिंपल सा सवाल था. आपने देखा 6 और 42 क्या किया? 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया. 6 7 42, ठीक है? 9 को भी हम पहले देखेंगे मल्टीप्लाई करके 7 से. क्या 9 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 63? 63 ऑप्शन में तो कहीं नहीं गिवन था. तो मतलब हमें क्या करना था? हमें 7 से नहीं मल्टीप्लाई करना था. हमने 6 को 7 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 के बाद आता है 7. 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है. तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 आ जाएगा आंसर. ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा. जी 90 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही. देखिए ये जो सवाल मैं आपको करा रही हूं ना, जो भी अगर आपको, इफ यू गाइज आर टेकिंग मोर देन दिस टाइम, कितना? 10 से 15 सेकेंड. अगर 10 से 15 सेकेंड से ज्यादा आप ले रहे हैं ये सवाल करने के लिए, देन यू डेफिनेटली गाइज नीड टू वर्क अपॉन योर स्पीड, ठीक है? क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है. चलिए अगले सवाल पर आ चुके हैं हम लोग. जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए. जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए. जो भी आपका आंसर आ रहा है कमेंट कर दीजिए एक बार. चलिए यहां पे हमने क्या देखा, ठीक है? यहां पर हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखी, सबसे पहले चीज हम क्या देखते हैं, मैंने आप लोगों को, अगर आपने पहले की मेरी क्लासेस देखी हैं तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है? मतलब प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. दूसरा देखते हैं हम लोग स्क्वायर्स, क्यूब्स या फिर प्राइम नंबर, ठीक है?
पहले ये चीज चेक करेंगे, दूसरा चीज ये चेक करेंगे, और फिर जब कुछ भी नहीं समझ में आएगा तब हम देखते हैं क्या सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। जब इन दोनों से आंसर नहीं आता है तब हम देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स। तो यहां पे हमने क्या सबसे पहले करके देखा, हमने करके देखा 4 को किससे मल्टीप्लाई किया कि आपका आ जाएगा 20, 5 से मल्टीप्लाई किया, हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखा, 6 5 क्या आया, 6 5 आया आपका 30, 30 ऑप्शन में कहीं नहीं गिवन था। फिर उसके बाद हमने देखा कि चलो सेम डिजिट से नहीं मल्टीप्लाई है, हो सकता है नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया हो, तो नेक्स्ट डिजिट से हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा, इसको 4 को किया गया है 5 से, 6 को तो कर दिया जाएगा ना 7 से, 4 को 5 से किया गया है तो 6 को आपने जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 42 आ गया, 42 है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 42 इज द करेक्ट आंसर, यस ऑप्शन नंबर ए। दूसरा इसको करने का एक और लॉजिक था, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक और लॉजिक था, हो सकता है आप में से कई लोगों ने वो लॉजिक भी फॉलो किया हो, तो मैं बता दे रही हूं एक बार कि क्या लॉजिक था। बेसिकली आपने क्या देखा कि 20 तो वैसे तो पहुंच सकते हैं आप डायरेक्टली, लेकिन एक ये भी लॉजिक था इसका कि 4 का स्क्वायर प्लस 4, उसी तरीके से 6 में क्या हो जाता, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो भी आपका आंसर 42 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट टाइम देखने से, पहली चीज फर्स्ट स्टेप देखने से आ गया, इसीलिए हम लोग स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पे नहीं जाएंगे, राइट क्लियर हो गया, यस 6 का स्क्वायर प्लस 6, इसी तरीके के भी आंसर आ सकते थे आपके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखिए अगला सवाल एंड आंसर करने की कोशिश कीजिए। फिर से टाइम आपको सिर्फ उतना ही मिल रहा है, 15 सेकंड का टाइम है सिर्फ आपके पास, जल्दी से। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग आए हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। जो लोग अभी आए हैं उनको मैं बता दूं कि गाइस सेशन हमारा 10:30 पे स्टार्ट होता है, आप आए हैं 10:39 पे, ठीक है 10:39 पे आप आए हैं तो गलत है, जल्दी जल्दी आया करिए। चलिए यहां हमने क्या देखा, गिवन था नंबर, क्या गिवन था, 21 और 3 का पेयर गिवन था, 21 से 3 कैसे आओगे आप, सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर चेक करना था, 7 से डिवाइड कर दिया आपने, 3 7 21 होता है, तो 21 को जब 7 से डिवाइड किया तो हमारा 3 आ गया। अब हम इसको भी 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, इसको 7 से डिवाइड किया, 574 को जब 7 से डिवाइड किया, 7 8 56, 1 4 82 आ गया आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया, सिंपल सा सवाल था, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पार्ट 1 पार्ट 2 में जो भी हम लोगों ने चीजें करी हैं उन सभी का मिश्रण कह सकते हैं आप, उन सभी का एक कंबाइंड सेशन है आज का प्रैक्टिस सेशन। टोटल अगर मैं बताऊं आपको, मैंने आप लोगों को नंबर एनालॉजी के 60 सवाल कराए हैं अपने इन तीनों सेशंस में, 20 20 20 करके, किसी में 15, किसी में 22, किसी में ऐसे करके मैंने सवाल कराए हैं। इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर स्वप्निल AGR, और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो या तो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या तो फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये बताइए जल्दी से समझ आ रहा है कि नहीं, बताइए जल्दी जल्दी जी, जल्दी जल्दी बताइए समझ आ रहा है कि नहीं, और समझ आ रहा है तो मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए मजे से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना तब तक खुशी नहीं मिलेगी, और जब तक किसी चीज को करने में खुशी नहीं मिलती है तो उस चीज में आपको सफलता यानी कि सक्सेस भी नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है मजा, जो कि अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि हाँ मैम आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, पांचवा क्वेश्चन है हमारे सेशन का। आप देख रहे हैं कि सेशन तेजी से चल रहा है, इसीलिए ज्यादा फालतू की इधर उधर की बातें करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ओके यस, थैंक यू, थैंक यू, क्विकली गाइज, बहुत ही इजी सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, मतलब ऐसा सवाल मैंने तो पहली क्लास में देखा था। चलिए बहुत बेसिक था तो इसीलिए ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट करेंगे नहीं। आपने क्या देखा, नंबर था 272, दूसरा नंबर था 350, ये मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता, इतना बगल में कौन मल्टीप्लाई करके जाता है,
डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि बढ़ा है, माइनस हो नहीं सकता क्योंकि बढ़ा है, सिर्फ एक आपके पास बचा ना क्या, एडिशन। एडिशन बचा, देख लीजिए कितना ऐड हुआ है। आपने जब देखा इसमें तो इसमें कितना ऐड किया गया है, आपने यहां पे देखा इसमें कितना ऐड किया गया, इसमें ऐड किया गया है आपका 78, ठीक 78 ऐड किया गया, इसमें भी 78, इसमें आपको 78 इधर से माइनस करना है क्योंकि इस नंबर में 78 ऐड करोगे आप तब ये नंबर आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 494 माइनस 78, 14 में से 8 गए, क्या बचा, 6 बचेगा। लास्ट डिजिट जिसकी 6 होगी वो होगा आपका सही आंसर। यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 6 वाले थे और ये 490 है ना, देख लो भाई आंसर तो क्लियरली आ जाना है ना आपका। जी आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा इजीली आ जाएगा क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चंस करते हैं, जो कि मैंने आप लोग को बता रखा है गाइस कि क्वेश्चंस आपको उन्हीं लॉजिक से पूछे जाएंगे जो कि कराए जा चुके हैं ऑलरेडी, तो ये सारे ही लॉजिक्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस की दोनों क्लासेस में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बिना किसी डिले के, ये बता दीजिए समझ में आ गया कि नहीं। इधर 78 ऐड किया गया, इधर भी 78 ऐड करना था, इस नंबर में जब 78 ऐड करोगे तो 494 आएगा, तो ये नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, 494 में से 78 माइनस कर दोगे, क्या आंसर आ जाएगा, 416 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चलिए आ गए हैं हम लोग अगले सवाल पे। ओके सो समवन इज आस्किंग, सजेस्ट कर दो कोई मैथ्स एजुकेटर प्लीज, अमन श्रीवास्तव सर की क्लासेस अटेंड करिए, बी इट ऑन एन अकेडमी प्लस बी इट ऑन यूट्यूब, कहीं पे भी अमन सर की क्लासेस अटेंड करिए। मैम क्विज के आंसर कैसे आए वो कैसे पता चलेगा, कुछ 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन होते हैं आपके क्विज में, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। ये बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, नंबर एनालॉगी से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, दो, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नंबर एनालॉगी से, तो मतलब आपके 2-4 नंबर तो पक्के हैं अगर आपने मेरे तीनों सेशंस देख लिए तो। अब देखते हैं यहाँ पे, ये मैंने क्यों कहा कि क्वेश्चन बढ़िया है, क्योंकि ये लॉजिक अच्छा था। आप देखिए इधर गिविन है 72, 72 के फैक्टर्स क्या होंगे, 9 8 है ना, 9 × 8 होता है, और भी होता है 12 × 6, लेकिन इतना ज़्यादा जाने का मतलब नहीं था। आपने देखा 72 और 25 का तो यार कोई रिलेशन ही नहीं है, 25 क्या है आपका, 25 अगर हम टर्म्स में देखें रीजनिंग के, तो मतलब वैसे तो आपका एक नॉर्मल नंबर है लेकिन रीजनिंग के और टर्म्स में देखें तो क्या है हमारा, 5 का स्क्वायर है। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आई कि यार ये 5 का स्क्वायर क्यों लिखा है इन्होंने, 5 का स्क्वायर इन्होंने इसलिए लिखा है गाइज क्योंकि 72 का क्या है, जब डिजिट्स को आप माइनस करोगे 7 − 2 तो आएगा 5 और 5 का स्क्वायर आपने करना है। उसी तरीके से 8 − 6 क्या आया, 2 आया, 2 का स्क्वायर आपने कर दिया, क्या आया, 4 आ गया आंसर, 4 हो गया आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इज दिस क्लियर। जी ऑप्शन नंबर ए है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब। ये नहीं आ रहा, आ गया अभी, ये क्लियर हो गया, यहां पे आपका क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, जो नंबर दिया है उस नंबर के डिजिट्स को माइनस कर दो और जो आएगा उसका स्क्वायर कर दो। जैसे 72 को 72 में से 7 में से 2 घटाया 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कर दिया, फिर यहां पे 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, फिर से देख लीजिए एक बार। यस ये लॉजिक अच्छा था, हार्ड नहीं था, अच्छा था, यू कैन से इट वॉज अ गुड लॉजिक, इस तरीके के सवाल हमने बहुत कम देखे हैं। डिस्ट्रैक्शन किसी से भी आपको नहीं लेना है, आपको लेना है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज और वो है इस क्लास से नॉलेज, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, आपको क्या देखना है, नंबर, नंबर को देखिए, नंबर के डिजिट्स को देखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आंसर, 16 गिवन था फिर 14 गिवन था, भाई 16 तो हमें समझ में आ गया 8 × 2 है, ठीक है, और ये क्या है 7 × 2, ठीक है। तो अब हमने क्या दिया था,
यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 42 क्या है, 42 21 इंटू 2 है, तो क्या 22 इंटू 2 जब करेंगे तो 44 हमारा आंसर तो आ नहीं रहा है, कहीं से कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये लॉजिक इंटू 2 वाला तो हमारा काम नहीं किया। अब ये बताइए, जब मल्टीप्लीकेशन हमारा काम नहीं करता है तब हम आते हैं अगले टाइप पे, किस तरीके से आते हैं आप देखिए। यहाँ पे हमने क्या देखा, गिवन था 16, एक सेकेंड, हाँ 16 गिवन था ना नंबर, और नेक्स्ट नंबर क्या था 14। जब आप 16 के डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 प्लस 6 किया आपने, ठीक है, 1 प्लस 6 क्या आया, 7 आया, और 7 को आपने क्या कर दिया, 2 से गुणा किया, तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, आ जाएगा 14। इसी तरीके से आपने क्या करना था, यहाँ पे 4 प्लस 2 क्या आया, 6 आया, 6 को 2 से गुणा किया क्या आया, 12 आया, ऑप्शन नंबर सी 12 आ गया, नहीं बाहर का उससे बिल्कुल भी नहीं आएगा नवीन कौशिक, इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ठीक है, क्लियर हो गया। ये 12 कैसे आएगा, नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दो, जैसे 16 था 1 प्लस 6 क्या किया 7 आया, जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, उसी तरीके से यहां क्या किया, 4 6 4 और 2 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 12, क्लियर। चलिए यस, ऑप्शन नंबर सी 12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। क्विकली, बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल हम लोगों ने अभी किया है, उसी तरीके का एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है, ये हालांकि थोड़ा इजी है, दिस इज इजी वन। चलिए, आपने देखा कि 5 से 130 पर जाने के क्या क्या तरीके थे, तो सबसे पहला तो तरीका जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या होता है, हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 26 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, 26 से हमने मल्टीप्लाई किया तब आएगा आपका 130। तो आप क्या करोगे, सब फिर आप क्या करोगे, आप 8 को 26 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 को 26 से पूरा मल्टीप्लाई करके देखना भी नहीं था आपको, आपने देखा 8 है लास्ट में, 6 है, 8 6 48, मतलब यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, और किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 नहीं गिवन है, मतलब कि हम लोग उस नंबर से मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे हैं जो नंबर पहले गिवन था, ठीक है। तो अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। यहां पे 5 और 130 में कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन पास में कुछ आता है क्या, 5 से रिलेटेड क्या आता है, 5 से रिलेटेड 130 के पास में 125 आता है ना, क्या होता है 125, 5 का क्यूब होता है ना 125, 125 मतलब जो नंबर है उस नंबर का क्यूब किया हमने, फिर उसमें वही नंबर ऐड कर दिया, नंबर का क्यूब करके वही नंबर ऐड किया, तो आपका आंसर ऊपर आ गया 130। अब सिमिलरली यही करना था आपको 8 के साथ, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब अगर नहीं पता है तो रट लीजिए, 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है, 8 का क्यूब था आपका 512, इसमें वही नंबर मतलब 8 ऐड कर दिया, क्या आ गया आंसर 520 आ गया, 520 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्लियर हो गया जी, क्यूब करके सेम नंबर ऐड करना था, ठीक है, सिर्फ क्यूब नहीं करना था, क्यूब करके वो नंबर ऐड कर दिया। तो आपने देखा कि 5 का जिस तरीके से 130 बन गया, उसी तरीके से 8 का बन जाएगा 120। इज दिस क्लियर, सभी को क्लियर हो गया है, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। यस, बिल्कुल सही जवाब जितनों ने भी दिया है ना, एकदम सही। अगर मजा आ रहा है सेशन में गाइस, तो जल्दी से पहले तो आप लोग एक काम कर दो कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे होती है 10:30 बजे से हमारी क्लासेस। आज हम खत्म कर रहे हैं नंबर एनालॉजी, हम लोगों ने 3 सेशन देखे हैं इस टॉपिक के, तो अब कल से हम स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट एनालॉजी का, दैट इज लेटर एनालॉजी, ठीक है। लेटर एनालॉजी खत्म करने के बाद फिर आएंगे वर्ड एनालॉजी पे, तो कल से लेटर एनालॉजी स्टार्ट होगा एग्जैक्टली 10:30 पे। तो इफ दिस एनी वन हु स्टिल हैजंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड टेलीग्राम तो गिवन ही है, टेलीग्राम का लिंक है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको तीनों सेशन की। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक, चलिए बढ़िए अगले सवाल पर।
जी भैया लाइक भी कर दो, बढ़िया लग रहा है तो, है ना। उसके लिए मैं क्या ही बोलूं, बार बार आपको अच्छा लग रहा है तो आप खुद ही समझदार हैं। अच्छा लगना मतलब लाइक कर दीजिए जल्दी से, बढ़िया लग रहा हो तो ठीक है, ऐसी कोई खास जबरदस्ती नहीं है, अच्छा लग रहा हो सिर्फ तब लाइक करिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, कितने पार्ट हैं आयुष भारद्वाज? 3 पार्ट्स में हमने कवर किया है नंबर एनालॉजी, ठीक है। चेन्नई एक्सप्रेस की तरह फास्ट जा रहे हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा कमेंट है आपका। रीजन सिर्फ उसका इसलिए है कि जो मेरी पहली क्लास होती है, पहली क्लास काफी स्लो चलती है मेरी, ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि पहली क्लास में मुझे समझाना होता है सब कुछ, फिर उसके बाद सेकंड एंड थर्ड क्लास थोड़ा सा पेस उसका ज्यादा रहता है, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप क्लास में 20-25 क्वेश्चन करा देते हो तो क्या इतने में हमारा एग्जाम पार हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसीलिए पार्ट्स में डिवाइड करके कर रही हूं, इसीलिए मैं हर टॉपिक के कम से कम 50-60 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रही हूं। चलिए यहां पे भी क्वेश्चन आपने देखा क्या था, गिवन था 7, ठीक। फिर है 294, मल्टीप्लीकेशन आएगा सबसे पहले माइंड में, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना लंबा मल्टीप्लीकेशन एग्जामिनर नहीं देता है। आपने क्या देखा, 7 से 294 तक का जाने का सफर मल्टीप्लीकेशन वाला तो फिलहाल रहता ही हमेशा ऑप्शन, करके भी देख लोगे ना तो भी आंसर आएगा नहीं उससे। आपने क्या किया, 294 के आसपास क्या 7 का स्क्वायर या फिर क्यूब आता है? क्यूब आता है, क्या होता है क्यूब 7 का? 343 होता है। अब 343 तो 7 का क्यूब हो गया, 7 का क्यूब हमने देखा हो गया 343, इसमें से कुछ घटाया गया है ना 343 से 394, तो आप देख रहे हो 43 तो यहीं से घट गया, 300 पहुंचा और 94 था मतलब 6, तो जब इधर से 43 घटा उधर से 6 ऐड हुआ तो 43 प्लस 6 मतलब 49, 49 घटा है माइनस 49, और 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है। तो आपने क्या देखा कि जो नंबर गिवन है उसी नंबर के क्यूब में से उसी नंबर का स्क्वायर माइनस करने पर अगला नंबर आ रहा है, ये चीज आपने देख ली। अब आप सेम यही चीज कर देंगे 9 के साथ, ठीक है, सेम यही चीज आपने करनी है 9 के साथ। तो 9 का क्यूब क्या होता है जल्दी से बताइए, 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर, क्विकली जी जितने भी लोग यहां बैठे, क्यूब माइनस स्क्वायर आपने करना था 729 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 9 माइनस 1 8, यूनिट डिजिट 8, जो कि गिवन थी सिर्फ एक ऑप्शन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। एंड आपको ये पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए वैसे भी आ जाएगा सही आंसर सिर्फ अगर आप यूनिट डिजिट देख के करेंगे तो यूनिट डिजिट देख के ही आंसर अपना कर दीजिए, एंड यूनिट डिजिट देख के ही आपको 10 सेकेंड में आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए जी 729 माइनस 81 बिल्कुल सही लॉजिक है जिसने भी दिया है। जीएस और इंग्लिश का भी कुछ करवाओ, अच्छा जी जीएस की भी क्लासेस होती हैं हमारे चैनल पर, आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आता होगा। इंग्लिश की तो मेरे जस्ट बाद क्लास होती है, मेरी क्लास खत्म होती है मेरी स्टार्ट होती है 10:30 पे, खत्म होती है 11:30 के अराउंड, 5-10 मिनट पहले हो जाती है, और 11:30 से स्टार्ट होती है बरखा मैम की इंग्लिश की क्लास, ठीक है। बरखा मैम की इंग्लिश की क्लास 3:30 बजे रहती है मेरी रीजनिंग की, यानी कि स्वप्निल की, ठीक है, स्वप्निल अग्रवाल, राइट। चलिए बढ़े अगले सवाल पे, चलिए आ चुके हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी आपका बहुत धाकड़ सवाल है, बिल्कुल बढ़िया से करिए, ठीक है। और आपका कुलदीप, मैंने आपका मैसेज देखा नहीं, एक बार प्लीज जो भी पूछ रहे हैं आप एक बार पूछ लीजिए, एक बार प्लीज दोबारा से पूछ लीजिए। नॉट येट विकास, अभी नहीं लेती हूं मैं फिलहाल अन अकेडमी पर क्लासेस, एंड जितने भी लोग कह रहे हैं कि मैम आप हमारा रिप्लाई नहीं कर रहे हो, प्लीज आप एक बार अपना सवाल तो पूछिए, मुझे दिखे तो कि आप पूछ क्या रहे हैं। अब आपका चैट इतनी ज्यादा होती है कि ऊपर चला जाता है, तो आप एक बार दोबारा से पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए आंसर्स भी आने लगे हैं इसके, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत सही। आपने क्या देखा यहाँ पे,
सबसे पहली चीज जो हमें देखनी होती है, क्या देखना होता है भैया? सबसे पहले हमें यही देखना होता है ना कि एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. आपने देखा 11 से 17 कैसे पहुंचे, 6 ऐड कर दिया. ठीक है, दूसरे में भी आपके पास एक ही ऑप्शन था 6 ऐड करने का. 19 में 6 ऐड करोगे आप, 25 आएगा. 25 ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं था. तो मतलब हम लोगों का जो पहला वाला पार्ट होता नहीं है मैथमेटिकल ऑपरेटर से चेक करने का, तो वो तो हम लोगों का सफल हुआ नहीं. फिर आता है नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम चेक करते हैं स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड प्राइम नंबर. तो यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब तो है नहीं 11 17 में से कोई भी, तो प्राइम नंबर दिखा ना आपको. आपने देखा 11 के प्राइम नंबर की अगर आप सीरीज देखें, 11 के बाद क्या आता है, 12 प्राइम नंबर होता नहीं है, 13 होता है प्राइम नंबर, फिर उसके बाद 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 17. तो आपने देखा कि एक प्राइम नंबर को छोड़ के यानी कि अल्टरनेट प्राइम नंबर यहां पे लिया गया है, तो 11 के बाद इसीलिए 17 आ गया. तो उसी तरीके से 19 आता है प्राइम नंबर में, उसके बाद क्या आता है ना, 20 प्राइम नंबर होता नहीं है, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, नेक्स्ट क्या होता है, 23 होता है ना, 23 होता है. लेकिन हमने नेक्स्ट नहीं लिया है, हमने अगर 23 आप करते तो ऑप्शन नंबर ए दे देते आप आंसर, लेकिन नेक्स्ट नहीं लिया है, हमने लिया है क्या, उसका एक छोड़ के. तो 23 के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर होता है वो होता है 29, और 29 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर. ठीक है, बिल्कुल बहुत यूजफुल है एनटीपीसी के लिए भी आदित्य, बहुत ज्यादा यूजफुल है जी. 29 हो गया सही आंसर. ये 27 बिल्कुल भी नहीं है, 27 तो ऑप्शन भी नहीं गिवन था, आप 27 क्यों बोल रहे हो, 27 थोड़ी ना होता है, 27 आपका प्राइम नंबर कैसे हो सकता है. प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है बताइए, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका कोई फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1. ठीक है, मतलब जैसे हो गया आपका 29, 29 का कोई फैक्टर नहीं है ना, 29 कैसे आएगा, सिर्फ उस नंबर इसको एक से मल्टीप्लाई करोगे तभी 29 आएगा. और जहां तक बात रही 27 की, तो 27 तक आने के तो कई तरीके हैं ना, 27 इंटू 1, 9 इंटू 3, तो जब 9 इंटू 3 हो गया तो फिर बात ही खत्म है. ठीक है, चलिए प्राइवेट ट्यूशन चाहिए, ये प्राइवेट ही तो मैं पढ़ा रही हूँ, और कहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ. देखिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन पे आइए, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, जिसके फैक्टर सिर्फ 1 हो और खुद वो खुद. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कर लीजिए क्वेश्चन, कमेंट वमेंट बाद में करिएगा. मैम एसएससी में इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कुलदीप आपका ये क्वेश्चन है, बट कुलदीप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी में पूछे जा चुके हैं. ठीक है, ये सब आपके एसएससी के ही क्वेश्चंस हैं. बहुत इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं ना, ये तो इतने इजी है नहीं, ये एग्जाम में जब आप ये करने बैठते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एग्जाम में के टाइम पे दिमाग नहीं इतना काम करता है, अभी लगातार आप करे जा रहे हैं. इसीलिए दैट्स व्हाई आई से प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ताकि बढ़िया से एग्जाम में फोड़ के आए. ठीक है, बढ़िया से फोड़ के आना है, आंसर आने लगे हैं फिलहाल. एंड करते हैं हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट. ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. आपने देखा 8 था, 8 के बाद क्या था, 65. 65 का क्या रिलेशन है, सिंपल सी बात है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, जिसमें हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो 64 प्लस 1 क्या आ गया, 65 आ गया. उसी तरीके से 122 किसके स्क्वायर का है, 11 का स्क्वायर प्लस 1 होता है ना, तो आंसर क्या आ गया आपका, 11 आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही आंसर. क्लियर जी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है कि नहीं बताइए, किसका सही आंसर आया है वो एक बार बता दे मैम, मेरा या फिर माइन या फिर यस या फिर मी, कुछ भी करके बोल दीजिए, जिसका भी सही जवाब आया है ऑप्शन नंबर डी 11. चलिए तब तक आप लोग कमेंट करते रहिए, तब तक हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्विकली गाइज. यस, मजा आ रहा है कि नहीं, क्विज कब होता है, देखिए क्विज होता है हमारा 3:30 बजे. कहाँ होता है क्विज, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, टेलीग्राम क्विज का लिंक गिवन है. तो चैनल से आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, और चैनल पे मिलेगी नोटिफिकेशन आपको कि किस दिन कौन सी क्लास हो रही है, एंड साथ ही साथ आपको मिलेगा टेलीग्राम
क्विज का लिंक, ठीक है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट नहीं कवर कर सकते हो? नहीं भैया, सारे सब्जेक्ट में नहीं कवर कर सकती हूँ, आई एम नॉट दैट गुड विथ जीएस, तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए भैया, ये क्वेश्चन हो गया सभी का? हो गया क्वेश्चन? नहीं हुआ? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो भी कोई बात नहीं, हम तो हैं यहाँ पे, करा देंगे, ठीक है। 18:162, ठीक है, 18 की टेबल पढ़ो जरा, 18 का पहाड़ा पढ़ो, कब आता है 162, जल्दी जल्दी चालू कर दीजिए 18 का पहाड़ा पढ़ना। 18 को जब आप 9 से गुणा करेंगे, मतलब क्या किया हमने यहाँ पे, 9 से मल्टीप्लाई किया 18 को, जब हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारा आ जाएगा 162। तो हमने क्या करके देखा भैया, इधर 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, हम इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्या पता आंसर आ जाए। आपने किया 9 2 18, 18 यूनिट डिजिट पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट में क्या कहीं भी 8 गिवन है ऑप्शन में? नहीं गिवन है, इसीलिए ये जो हम लोगों का नॉर्मली सबसे पहला थॉट आता है कि सेम नंबर से हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है। आपने देखा 18 को इन्होंने 9 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 1+8 जब आप करोगे तो 9 आएगा। उसी तरीके से 42 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 42 को आपको गुणा करना पड़ेगा 4+2 यानी कि 42 × 6, ठीक है, 42 × 6, तो 6 × 12, 6 × 4 = 24 and 25, दैट इज 252, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया जी। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। ये बी नहीं है, ये बी भी गोले में आ गया है, लेकिन गोला सिर्फ ए तक है, ठीक है। चलिए मैम, एक 12 मोटिवेशन क्लास है मोटिवेशन की, तो देखिए मोटिवेशन इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन। जब तक आप खुद ये चीज़ नहीं देखोगे ना कि वो चीज़ जो आप कर रहे हो वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, कितना इम्पॉर्टेंट है आपका गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना, या फिर आपके मम्मी पापा का कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मोटिवेशन आपको सिर्फ खुद से आ सकता है। ये जितने भी मोटिवेशनल चैनल्स हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे आर डेफिनेटली डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट अंटिल एंड अनलेस यू डिसाइड कि आपको करना है, आपसे कोई भी वो काम नहीं करवा सकता है, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन से अबाउट मोटिवेशन। मेरा माइक गिर गया था बीच में जी। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बता लीजिए क्विकली। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करिए, गुड आफ्टरनून तो फिलहाल अभी नहीं हुआ है, अभी तो मॉर्निंग ही चल रही है, ठीक है। फिलहाल आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इतना इजी लॉजिक है इसमें, लग रहा है ना, इतना इजी लॉजिक लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, कितना इजी लॉजिक लग रहा है। बिल्कुल सही आंसर, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। कैसे आप देखो ना, 7 का 22, 7 के बगल में 22 आता है, तो बहुत ज्यादा स्क्वायर और क्यूब करने का नीड है नहीं यहाँ पे। हमने क्या देखा कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया, 21 आया, और उसी नंबर में 1 ऐड कर दो आप, कर दिया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आया 12 आया, 12 में 1 ऐड किया, आपका क्या आ गया, 13 आ गया, बस 13 हो गया सही आंसर, 13 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने जिससे इससे पहले बताया था आपको कि सबसे पहले आप चेक करते हो सिमिलैरिटी, कि क्या सिमिलैरिटी है, पहले में जो चीज़ फॉलो हुई है क्या वही दूसरे में फॉलो हो रही है, या फिर कोई दूसरा लॉजिक है, तो ये आप चेक करते हैं जी। सी आ चुका है आंसर, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ऑप्शन नंबर सी था सही आंसर। अब आते हैं भैया अगले सवाल पे, हैं कि ऑप्शन नंबर सी ही करते रहेंगे, इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी नहीं है। जल्दी देखिए ये सवाल और आंसर करिए। पहला क्वेश्चन हमने देखा है अभी तक अपनी, कल 3 दिन हमारी क्लासेस हो चुकी है, 3 दिन में पहला क्वेश्चन है पॉइंट्स वाला, डेसिमल वाला। सबसे जवाब चाहिए मुझे सही गलत, आई डोंट केयर, हर बंदे को आंसर करना है यहाँ बैठ के, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठ के देख रहे हैं ना, आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर एक्चुअली, इफ नॉट इवन करेक्टली, आप एक बार आंसर करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो,
कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, आपने क्या देखा है यहां पे, देखिए एक डेसिमल वाला नंबर गिवन था, मतलब एक नंबर गिवन था आपका 0.5 जिसमें था 17.5 से आप 7 पे कैसे पहुंचे, मतलब कम हुआ है, मतलब क्या हुआ है, माइनस हुआ है या तो डिवाइड हुआ है। माइनस आप एक बार चेक करोगे 10.5 आएगा, तो 10.5 आपने देखा तो आपने क्या किया, 9 में 10.5 ऐड किया, 19.5 ऑप्शन में गिवन नहीं है तो इसीलिए माइनस वाला तो हमने दिमाग से निकाल दिया। अब आप क्या करो, एक बार डिवाइड कर लो, एक बार डिवाइड करके देख लीजिए क्या आ जाएगा। आपने अगर एक बार इसको डिवाइड करके देखा 7.5 को, तो इधर आ जाएगा 7 × 2 = 14, ये आ जाएगा 3 × 5 2.5 आया, ठीक है। 17.5 को जब हमने 2.5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। अब हमें क्या करना था, ये जो नंबर है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, जब हम क्वेश्चन मार्क को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 आना चाहिए, ठीक है। 9 कैसे आएगा, 9, ये नंबर कैसे आएगा, 9 × 2 = 45, 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 22, 22.5, 22.5 ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर जी। मजा आवत बा, बहुत बढ़िया आदित्य सुनकर, बहुत बढ़िया, हमें भी बहुत मजा आ रही है आप लोग को पढ़ाने में। बस ऐसे ही उत्साह से पढ़ते रहिए, ऐसे ही सही जवाब देते रहिए। सही क्या, आप इंगेजमेंट रेशो हाई रखिए, आप अगर खुद पढ़ेंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से यहाँ पे जवाब देंगे, भले ही गलत जवाब आप दे रहे हैं लेकिन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, आप एक बार गलत दोगे, दो बार गलत दोगे, उसके बाद आपके जवाब सही आने लगेंगे। आप लिख के रख लीजिए मेरी बात, डेफिनेटली सही आएंगे उसके बाद आपके जवाब। चलिए आ चुके हैं हम लोग अपने 15वें क्वेश्चन पे आज के सेशन के। देखिए गाइस, जो भी शुरू से जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा कि धीरे धीरे करके उनका जो मनोबल है, उनका जो अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस आता है वो कितना तेजी से बढ़ा है। तो इसी तरीके के कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखने के लिए आपको ज्वाइन करना है 10:30 बजे क्लास एग्जैक्टली मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के संग लैब पर रीजनिंग पढ़ने के लिए। ओके, चलिए आ चुके हैं हम लोग 15वें सवाल पे और 15वें सवाल का जवाब मुझे चाहिए आप सभी से, सभी से जवाब चाहिए। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये लॉजिक इसका थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मतलब बाकियों से डिफरेंट है, तो करके देखते हैं कैसा मजा आ रहा है। साइड प्लीज, ओके आई गॉट अ साइड। चलिए अब आते हैं सवाल के सल्यूशन पर, ठीक है, सवाल के सल्यूशन पर आते हैं। आपने देखा 8 गिवन था, 8 क्या है, 8 है आपका 2 का क्यूब, ठीक। फिर गिवन था 28, 28 क्या है, 3 का क्यूब, लेकिन उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, ठीक। फिर आपने देखा क्या गिवन था, 27, 27 क्या है, 3 का क्यूब, और इसका अगला नंबर क्या होगा, आपने देखा था पहले 2 का है फिर 3 का है, मतलब यहाँ 3 का है तो यहाँ 4 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब, लेकिन +1 भी है तो +1 किया आपने। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, 4 का क्यूब होता है 64, जिसमें जब आप 1 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 65, 65 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए जी, 64 होता है 4 का क्यूब, जिसमें जब आपने 1 ऐड कर दिया तो आ गया आपका 65 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सवाल, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये सवाल और बढ़िया भी लगा होगा। देख लीजिए ये सवाल आपके सामने है, मैं साइड हो चुकी हूं कि आपको क्वेश्चन बढ़िया से दिख जाए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सिर्फ 10 सेकंड का, क्विकली इधर आ जाते हैं, साइड होते होते थोड़ा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा सिलेबस, सिलेबस बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा, आपको दिन की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए कि आपका एसएससी और आईबी के एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ एक बात, आपका कैप्शन, आपका जो नाम का कैप्शन है या जो आपका जो यूजर नेम है वो ऐसा है कि वो मुझे पता ही नहीं चल रहा आपका नाम। चलिए यहां आपने देखा बेहद सिंपल सा सवाल था, ये 1397 किससे रिलेटेड है, 3179 से, क्या दिखा आपको,
क्या आपको भी वही चीज दिखी जो मुझे दिखी? क्या दिखी हम लोगों को? वही चीज अगर नहीं दिखी है तो वही दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए हम लोगों को कि यहां पे जो नंबर के अंदर, ये जो नंबर है ना चार डिजिट का, इसके जो लेटर्स है, मतलब सॉरी इसके जो डिजिट्स हैं वो और ये सेम ही हैं, बस क्या किया गया है इधर का उधर, उधर का इधर। आपने देखा 1397 को कैसे लिखा उन्होंने, इन्होंने लिखा है 3179, बीच से आधा किया इधर 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 इधर, कट्टम किट्टा खेल लिया इन्होंने। सेम हमें भी करना था, बीच से आधा करिए, इधर आएगा दो, इधर आएगा पांच, इधर आएगा आठ, इधर आएगा तीन, दो पांच आठ तीन गिवन है ऑप्शन नंबर सी में और बाकी सब है फालतू के, ठीक है। दो पांच आठ तीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया है तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सही बोला आदित्य सोनकर जी ने। चलिए आ चुके हैं हम लोग 17वें सवाल पे अपने सेशन के, एंड धीरे धीरे करते करते बाकी जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं सबका कॉन्फिडेंस एकदम आसमान छू चुका है, बस बढ़िया से जवाब देते रहिए, ऐसे ही मजा आएगा सेशन में। ये टॉपिक बहुत वीक है आपका, तीनों क्लासेस देख लीजिए, कमेंट एंड आई एम डेड श्योर कि आप मुझे खुद टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे कि मैम मेरा ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो गया है। चलिए क्वेश्चन आपने देखा 4 और 60, 4 और 60, 4 को 15 से गुणा किया, 15 चौके 60 होता है, इधर भी आप 15 से गुणा करके देख लो, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 90 आपका ऑप्शन में गिवन है क्या? ऑप्शन में गिवन है 90 ना, बताइए ऑप्शन में 90 गिवन है? क्लियर हो गया? 90 ऑप्शन में गिवन है जी। अब आप देखिए यहां पे आपका ऑप्शन में 90 गिवन था, ठीक, ये हो गया आपका एक लॉजिक कि आपने क्या किया 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन का एक और लॉजिक है, क्या लॉजिक है वो भी देख लेते हैं, कई लोगों ने वो लॉजिक भी लगाया है एंड बहुत अच्छा अगर आपने वो लॉजिक लगाया है तो। लॉजिक आपका सही था, क्या है ये 4 का क्यूब है जिसमें से 4 घटा दिया, है ना, 4 का क्यूब होता है 64, उसमें से 4 घटाया, क्या आ गया 60 आ गया आंसर। और फिर दूसरा था 6 का क्यूब क्या था 216, 216 में से 6 घटा दिया आपने, क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा, 210 भी आपका ऑप्शन में गिवन है, 90 भी गिवन है ऑप्शन में, 210 भी गिवन है ऑप्शन में। अब यहां पे होता है बहुत बम फाड़ वाला कंफ्यूजन कि यहां पे तो यार हम लोग के दोनों ही सही आंसर आ रहे हैं, इसमें क्या करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है एसएससी में, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहां पे 2 करेक्ट आंसर गिवन है तो इन दोनों में से आप जो भी मार्क करके आओगे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 90 मार्क किया तो आपको गलत हो जाएगा या फिर आपने 210 मार्क किया तो आपका गलत हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी मार्क करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिलहाल यहां पे 210 जो आंसर गिवन है ना, ये यहां पे 90 भी हो सकता है, डी एंड सी दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए आ गए हैं हम लोग 18वें सवाल पे, जल्दी से देखिए आंसर कीजिए जी। बोनस मार्क्स मिलते हैं आप कह सकते हैं, या फिर नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस में नंबर मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर ए और बी मार्क कर देंगे तो नहीं मिलेगा, दोनों सही ही मार्क करने चाहिए जी। दोनों सही आंसर दीपांशु जायसवाल, बढ़िया बढ़िया, जल्दी जल्दी क्विकली गाइज, बहुत बढ़िया लॉजिक है इस क्वेश्चन का भी, लॉजिक बहुत अच्छा है। 30 जनवरी को एनटीपीसी लगा है, बेहद मन से प्रैक्टिस करिए, डेली सेशंस अटेंड करिए एंड रिवीजन करिए। अब पढ़ाई मत करिए, जो आपका ऑलरेडी आपको आते हैं कॉन्सेप्ट्स वो रिवाइज करिए, एंड अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नहीं आता है तब उसको पढ़िए सिर्फ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 15 से 195 पहुंचने के 2 लॉजिक्स हैं, या तो आप 225 जाओ, ठीक है, जो कि 15 का स्क्वायर होता है, उसमें से आप कुछ माइनस करके आओ, लेकिन हमने क्या पता है, हमें पता है कि सबसे पहले देखना है हमें मल्टीप्लिकेशन। अगर सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या देखा कि 15 और 45, इधर आपने क्या देखा
15 वंजा 15 और बचे 4 और 5 15 तिया 45 किससे मल्टीप्लाई हुआ 13 से मल्टीप्लाई किया गया है 13 से मल्टीप्लाई हुआ समझ में आ गया क्यों 13 से मल्टीप्लाई किया और 15 और 13 में क्या रिलेशन है कि जो नंबर है उसको 2 घटाया आपने तो जो नंबर आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 2 यानी कि 16 16 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 8 जा क्या होता है 48 होता है ना 6 8 जा 48 होगा और लास्ट में मतलब यूनिट डिजिट 8 आएगा यहां यूनिट डिजिट 4 यहां 0 यहां 5 सिर्फ एक ऑप्शन है 288 जहां पे यूनिट डिजिट में 8 आया है इसीलिए बिना इसको आगे बढ़ाए ये बिना ये वाला किए ठीक है ये करोगे फिर ये करोगे तो आंसर आएगा ना बिल्कुल भी ये सब नहीं करना है सिर्फ यूनिट डिजिट देख के आंसर कर दीजिए ठीक है यस ऑप्शन नंबर बी 288 विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं हम लोग एंड आंसर कर दीजिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन जो कि मैंने अभी तक कराए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है अच्छे से इसको सॉल्व करिए नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ज्यादा आपको लगेगा इसमें थोड़ा सा टाइम क्योंकि इसका लॉजिक बहुत बेहतरीन है बहुत बेहतरीन लॉजिक है लॉजिक्स देखिए एक क्वेश्चन को करने के कई सारे हो सकते हैं आंसर सेम आना चाहिए बस ठीक है चलिए मजा आ रहा है सेशन में तो बता दूं मैं आपको फिर से एक बार कि यहाँ पे 10:30 बजे डेली क्लास होती है रीजनिंग की आप देख रहे हैं कंप्लीट रीजनिंग क्रैश कोर्स है पूरी की पूरी रीजनिंग कवर कराई जाएगी आपकी चाहे एनटीपीसी की हो चाहे एसएससी की हो चाहे आईबी की हो सब एग्जाम्स की रीजनिंग आपको इस सेशंस में कवर करा दी जाएगी तो डेली 10:30 पे आना ना भूलें मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के संग रीजनिंग पढ़ने चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपने देखा क्या गिवन था भाई क्वेश्चन तो आपने देखा यहां तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा यहां तो हमारे चक्कर टाइप के आ गए हैं थोड़े से 245 है 245 के अगल बगल का आप देखो पहले चीज तो मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं तो 14 और 245 मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा कहीं से भी ठीक है आपने क्या देखा कि क्या कोई स्क्वायर या क्यूब है भैया 12 का जो स्क्वायर है 12 का स्क्वायर आपका आ जाएगा अगल बगल ठीक है लेकिन वो भी क्या है भैया 144 है 245 के आसपास तो कुछ भी नहीं आ रहा है जब हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ जब हमारा स्क्वायर क्यूब नहीं हुआ तब हम क्या करते हैं तब हम करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज जो कि मैंने आपको कल बताई थी और क्या थी वो चीज सम ऑफ डिजिट्स डिजिट्स का सम करते हैं डिजिट्स का सम आपने किया 2, 4 और 5 5, 4, 9 और 9 और 2 11 आया गिवन क्या था यहां पे 14 कितने का डिफरेंस है 3 का हमने क्या किया 3 ऐड किया लेकिन 3 क्यों ऐड किया इसलिए 3 ऐड किया क्योंकि 245 1, 2, 3 3 डिजिट का नंबर है 3 यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स भी हमने इसमें ऐड किए मैं बता दूं गाइस आपको ये एसएससी 2016 या फिर शायद 17 का क्वेश्चन है पूछा जा चुका क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं आपको बता भी रही हूं इस तरीके का क्वेश्चन आता है ठीक है प्लस नंबर ऑफ डिजिट्स आपने कर दिया अब आप देखिए 6, 1, 7 7 और 2, 9 ठीक है 9 हो गया 0 को ऐड करने कोई मतलब नहीं है 9 हो गया प्लस कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे 1, 2, 3, 4 4 डिजिट का नंबर था 9 + 4 यानी कि 13 13 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है ऑप्शन नंबर ए 13 है आपका सही आंसर क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर ए 13 हो गया सही आंसर क्लियर हो गया सभी को चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल देखिए और जवाब दीजिए इसका फाइंड आउट द अल्टरनेटिव जो कि आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर बहुत इजी सवाल है ये फिलहाल ये तो 10 सेकंड का सवाल है लगाइए लगाइए दिमाग लगाइए अपना जल्दी 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 दिमाग लगा के जल्दी जल्दी बताइए चलिए क्वेश्चन देखें हम लोग तो क्वेश्चन में आपने देखा कुछ भी नहीं था यहां था 58 यहां था 40 40 कैसे आता है मोस्टली
5 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 40 आता है, तो जो नंबर है उसके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे 63 गिवन था, मतलब 6 into 3 क्या होता है 18 होता है, 18 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी 18 हो गया सही आंसर। सिंपल सादा सवाल, अब बताइए इस सवाल में भी आप लोग को इतना टाइम लग रहा है, मतलब इतना टाइम 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड का सवाल था आपका, ये पता है। गुड मॉर्निंग, लेकिन बहुत लेट हैं आप राहुल जी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देखिए एंड जवाब दीजिए इसका। अगले सवाल का जवाब दीजिए, अठारह से तीस कैसे आए, अठारह के अगल बगल, मतलब तीस के अगल बगल क्या कुछ आता है अठारह से रिलेटेड, बिल्कुल आता है, क्या किया, अठारह दुनी 36 होता है, ठीक है, इंटू टू किया, ठीक 36 आया, फिर क्या किया 6 से माइनस कर दिया, सिंपल सा सवाल, क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करके 6 माइनस कर दिया, 36 के संग भी सेम चीज एक बार करके देख लीजिए, 36 इंटू टू क्या आता है 72 आता है, इसमें 6 माइनस करके देख लीजिए क्या आ रहा है आपका जवाब, क्या आपका जवाब आ रहा है 66 हो जाएगा ना 66, 12 में से 6 गए 6 बचे, उधर 6 ऑलरेडी थे 66 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, बस सिंपल सा सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल देखिए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिए बढ़िया से, सबसे पहले जवाब देखते हैं कौन देता है इस क्वेश्चन का सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है फिलहाल ये, तो बढ़िया से दिमाग लगा करिएगा, ऐसे नहीं कि बस एम ही कर दिया, इग्नोर देम कुलदीप जी। चलिए आ चुके हैं फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर, ठीक है, इस क्वेश्चन पर आ चुके हैं, आपने देखा 11 किससे रिलेटेड है, 1210 नहीं पता क्या होता है, ये पता है 121 क्या होता है 11 का, क्या होता है 11 का, क्या देखा आपने 11 था 1210 था, तो क्या किया हमने 11 का स्क्वायर किया 121 आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, अब हमें सेम चीज करके देखना था 8 के साथ, 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर है 64, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है आपका आंसर 640 ऑप्शन में नहीं गिवन है कहीं भी, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो इसने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया भाई, अगर हम नहीं कर सकते तो ये क्यों करके बैठा है 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 11 है, 11 से जस्ट एक पहले आता है 10, तो आप भी ट्राई करो ना, आप भी 8 के स्क्वायर को 8-1 मतलब 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, करके देख लीजिए 64 into 60 क्या आएगा आपका आंसर, 64 into 60 करके देखिए क्या है, 7 करके देखिए क्या आएगा, 7 4 28, 7 6 42, 44 448 ऑप्शन नंबर सी आ गया सही आंसर ना, आ गया सही आंसर, बस सिंपल सी बात थी, बस इतनी सी ही बात थी कि यह क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा के किया होता, नॉर्मली आप एक चीज देखते हो ना कि सबसे जो चीज यहां हुई है पहले हम एक बार करके देख लें क्या दूसरे में भी वही चीज हो रही है, जब दूसरे में वो चीज नहीं होती तब आप लगाते हो थोड़ा और दिमाग लगाने पर आपको पता चलता है कि आपके पास उस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत कम टाइम लगना था, ठीक है। चलिए तो मुझे ये बता दीजिए कि जितने क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं आज की क्लास में क्या सभी को समझ में आए हैं, अगर समझ में आए हो जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, अगर हम लोगों का जो सेशन है वो बहुत बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। फिलहाल मैं आती हूं आपके क्वेश्चंस पर, तो आप लोगों के क्वेश्चंस अगर मैं लूं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये चीज आप लोग बोल रहे हो मेरे से कई बार कि मैम मेरी आज फर्स्ट क्लास है, तो जिनकी भी फर्स्ट क्लास है या फिर जितने भी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या मैम क्लास डेली होती है, तो मैं बता दूं डेली 10:30 AM पर होती है आपकी क्लास मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के संग, कंप्लीट रीजनिंग क्रैश कोर्स आपका होता है 10:30
10 बजे। नंबर एनालॉगी हम आज खत्म कर चुके हैं, कल से स्टार्ट करने वाले हैं लेटर एनालॉगी। तो 10:30 पे होती है क्लास। मैम इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम हर स्लाइड के नीचे फुटर सेक्शन में लिखा है, आप देख सकते हैं। स्वप्निल एजीआर लिख भी दिया मैंने, स्वप्निल एजीआर, साथ ही साथ इसका लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक गिवन है, एक है टेलीग्राम चैनल का लिंक, एक है टेलीग्राम कोर्स सॉरी क्विज का लिंक। तो चैनल आपको ज्वाइन करना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेंगे, और जो क्विज है, क्विज वाले जो लिंक है ना, वहां पे आपको डेली बेसिस पे कितने बजे, 3:30 बजे मिलेगा एक क्विज, जो कि जरूरी है आपका एनटीपीसी आईबी एसएससी तीनों के ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल दोबारा से 10:30 बजे एग्जैक्टली। लेटर एनालॉगी की पहली क्लास है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगी आपको, अलग अलग टाइप के लॉजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो एवरीबॉडी प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले ही, एंड आप रिमाइंडर लगा के रख लो कि हाँ भाई हमें क्लास करनी है। ठीक है, चलो गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से 10:30 बजे। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू गाइस वंस अगेन टुमारो एट 10:30 AM शार्प। टॉपिक लेटर एनालॉजी, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल।